नमस्कार, आप देख रहे हैं कैबिनेट टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में यूपी एटीएस की टीम ने धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए इस गैंग के दो मास्टरमाइंड मौलानाओं को गिरफ्तार किया था। इस गैंग पर आरोप है कि इन्होंने मूक बधिर और गरीब तबके के 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बनाया। इस गैंग के तार विदेशों से भी जुड़े मिले, जहां से इन्हें धर्मांतरण कराने के लिए फंडिंग होती थी। तो इस खुलासे के बाद से ही यूपी एटीएस की टीम इस धर्मांतरण गैंग के मेंबर्स की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। अब खबर है कि एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट में शामिल गिरोह के एक और सदस्य को महाराष्ट्र के यवतमाल से गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक डॉक्टर फराज शाह को रविवार देर रात यवतमाल से गिरफ्तार किया गया। इसके मोबाइल से बरामद ऑडियो क्लिप में कई राष्ट्र विरोधी, अन्य धर्म विरोधी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित वार्तालाप पाए गए हैं, जिनके वॉइस मिलान के लिए हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जून में एटीएस ने विदेशी फंडिंग और उनके निर्देशों के जरिए चलाए जा रहे धर्मांतरण रैकेट में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। गिरोह के मेंबर्स लोगों को कट्टरपंथी बना रहे थे और देश में धार्मिक समूह के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत यहां एटीएस पुलिस थाना में मुफ्ती काजी उमर गौतम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जुलाई में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से सक्रिय रूप से जुड़े तीन अन्य लोगों को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। अब नई गिरफ्तारी डॉक्टर फराज की हुई है। फराज उमर गौतम और उसके ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर रैकेट चला रहा था। फराज उमर गौतम के अलावा नागपुर से गिरफ्तार तीन अन्य लोगों से भी जुड़ा है। आरोप है कि वो बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करने की साजिश में शामिल है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से प्राप्त डाटा के जरिए पता चला है कि ये राष्ट्र विरोधी कामों में शामिल थे और उनका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। तो वही हाल ही में खुलासा हुआ था कि देश भर में 60 से ज्यादा इस्लामिक दवा सेंटर चलाए गए हैं। इनके मेन टारगेट पर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। दवा के नाम से कट्टरपंथी और कट्टरपंथी संगठनों की ओर से धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिसे साइलेंट जिहाद का नाम दिया गया है। कुल मिलाकर साफ है कि धर्मांतरण रैकेट को बहुत ही शातिर तरह से चलाया जा रहा था, जिनकी अब धीरे धीरे एक के बाद एक परतें खुलकर सामने आ रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।